दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल का बहुत ही बुरा हाल है, पर इसके बावजूद शहनाज कौरगिल ने जनता तक एक ऐसा मैसेज पहुंचाया है जिसके हम सभी शुक्रगुजार हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं शहनाज कौरगिल ने अब कौन सा मैसेज दिया है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ और साथ ही ससारियन से जुड़ी हम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों खुशी की बात यह है कि अब सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ है, जिसको लेकर अब वो डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई फॉर सिड का जो ट्विटर ट्रेंड है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि शहनाज कौरगिल का लेकर अपडेट आ रही है वो ये है कि शहनाज का मानना है कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, पर अगर फैंस को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ है तो वो अपनी जो सोच है उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उनको जो कुछ भी मदद चाहिए होगी शहनाज कौरगिल उनकी भरपूर मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शहनाज कौरगिल के एक फैन पेज के जरिए बताया गया है। बता दें कि शहनाज के कई सारे फैन पेजेस थे, उनमें से ही एक ने इस बात का खुलासा किया है। बता दें कि शहबाज बादशाह ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनकी शक को दूर करने में, हालांकि सिद्धार्थ के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। दोस्तों अब आपके हिसाब से क्या सीबीआई की इंक्वायरी इस केस में होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला केस में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ फैंस ने अब सीबीआई की मांग करनी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, हैशटैग सीबीआई फॉर सिड का जो ट्विटर ट्रेंड है वो अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की तरफ से सिद्धार्थ को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके सिद्धार्थ फैन ये जानना चाहते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी दर्शन फैंस को क्यों नहीं कराया गया। हम सभी ने देखा था कि बिग बॉस सीजन 13 के घर में जब सिद्धार्थ शुक्ला थे उस वक्त फैंस किस तरीके से क्रेजी थे सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, और आज सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया था, जिसके बाद लगातार फैंस ट्विटर पर इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर उन्हें दिखाई जाए, पोस्टमार्टम को क्लियरली ये बताया जाए कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकला था। आपको बता दूं कि वीडियोग्राफी भी की गई थी, पर उसके बारे में भी अभी तक कोई भी मुंबई पुलिस बयानबाजी नहीं कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राज कुंद्रा ने भी इस केस के बारे में कुछ कहा है। राज कुंद्रा ने बताया कि अगर आप बॉलीवुड की सच्चाई जानना चाहते हो तो सबसे पहले मीडिया वालों की बातों को बंद करो। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है इस बार सिद्धार्थ शुक्ला के हेटर्स को। बता दें कि मीडिया रिपोर्टर्स भी वही बोल रहे हैं जो कि लगातार एसएसआर केस में पहले बोल रहे थे। दोस्तों पहले ही मीडिया रिपोर्टर्स ने फाइनल कर दिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कोई गलत नहीं हुआ है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की मांग की जा रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में सीबीआई क्या कुछ करती है, क्योंकि एसएसआर केस में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर अभी तक के सीबीआई ऑफिसर्स ने किसी भी बात को सामने नहीं रखा है जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस केस में दोषी कौन है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई किसी को अपना आइडियल मान ले, अगर किसी को कोई फॉलो करने लग जाए तो वो उसके लिए पूरी जिंदगी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की एक फैन के साथ यही हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 सितंबर को ये लड़की सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जो सुनी उसके बाद सीधा बेहोश हुई। जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो पता चला कि लड़की कोमा में जा चुकी है। दोस्तों आप सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस का प्यार कितना ज्यादा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतिम दर्शन ना होने के बाद लगातार फैंस देर रात तक शमशान घाट के बाहर खड़े रहे, और हर किसी की आंखों में ये उम्मीद नजर आ रही थी कि कहीं से कोई फोटो दिखा दे कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला
अंतिम समय में किस तरीके से उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि परिवार की तरफ से कोई भी आखिरी फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया गया है, ना ही परिवार के तहत और ना ही किसी मीडिया रिपोर्टर के तहत। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आपकी जानकारी के लिए। एक और चीज़ बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, पर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं लिखा गया है। मेंशन करके ये बताया गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए, इस दुनिया से कितने बजे गए इस बात का भी विवरण नहीं दिया गया है। उनके शरीर पर क्या कुछ निशान थे, उन्होंने कौन सी दवाई खाई थी, इस बात का पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला स्मोकर थे, जिसकी वजह से उनको अचानक से हार्ट अटैक आया। पर आपको बता दूं कि इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में 99% लोग नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, पर वो सभी लोग अभी तक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ 2 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ था जो कि एकदम से वो छोड़कर चले गए, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन पर नहीं बल्कि कॉपर हॉस्पिटल के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि आखिरी समय की फोटो ग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल क्यों नहीं की गई, आखिर क्या कुछ सच है, आखिर ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दूं कि जिस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी कॉपर हॉस्पिटल में थी, उस दौरान किसी भी तरीके के किसी मरीज को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। हालांकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके बावजूद किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। दोस्तों आपके हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला किस कारणवश दुनिया को छोड़कर चले गए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेचुरल डेथ थी, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके साथ भी SSR की तरह ही नाइंसाफी हुई है। दोस्तों आपको क्या कुछ लग रहा है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों एक तरफ तो टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर को एक मसाला मिल चुका है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 के घर में हमने कई बार सुना रश्मि देसाई से सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजों का सेवन करते थे, और इसी बात को देखते हुए मीडिया रिपोर्टर्स ने इस बात की ओर इशारा किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से नशीली चीजों का सेवन करते हुए निकल गए। दोस्तों एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार हम नशीली चीजों को बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसी खबरें आई और ऐसा अगर PM रिपोर्ट में आया कि सिद्धार्थ शुक्ला भी इस दुनिया से अलविदा कह गए नशीली चीजों की वजह से, तो कहीं ना कहीं NCB के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है और वो कहीं ना कहीं वो NCB ऑफिसर्स को ट्रोल जरूर करेंगे। दोस्तों बताया जा रहा है कि आधी रात के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला ने नशीली चीजें ली थी और जिसके बाद वो सुबह उठे ही नहीं, कपूर हॉस्पिटल ने हार्ट अटैक बताया है। निधन का असली वजह अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि PM रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, क्योंकि कपूर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जाया गया था, जहां पर गलत PM रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके खिलाफ आज भी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों कमेंट में रेस्ट इन प्लेस जरूर लिखिए। दोस्तों 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़कर चले गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। दोस्तों कमेंट में आई और रेस्ट इन प्लेस जरूर लिखिए। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।